Hello everyone, my name is Praveen hai, and I welcome you at Free Online Coaching and Bahu Mastery Center. Guys, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करूंगा. क्वेश्चन क्या है कि टू स्मॉल स्फीयर्स इच हैविंग अ मास ऑफ 20 ग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर ईच. The spheres are identically charged and the separation between the balls at equilibrium is found to be 4 cm. Find the charge on the each sphere. Okay, तो चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और फोटो वगैरह बनाते हैं. ठीक, तो टू स्मॉल स्फीयर ईच हैविंग अ मास 20 ग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ईच ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर. तो चलो एक कॉमन पॉइंट है ये, और इस कॉमन पॉइंट से आपको दो बॉल सस्पेंड किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग. ये एक बॉल हो गया, ये दूसरा बॉल हो गया. ओके, और एक इसका भी लेंथ 40 सेंटीमीटर है, दिस लेंथ इज आल्सो 40 सेंटीमीटर. और क्या है, और ये जो इनके बीच का जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन इज 4 सेंटीमीटर. ओके, चलो इनका जो मास है 20 ग्राम है. ओके, तो चलो इसका मास जो है, तो मास m लेते हैं, तो मास 20 ग्राम है. फाइंड द चार्ज ऑन द स्प्रिंग, और ये क्या है, सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स एट इक्विलिब्रियम इज फाउंड टू बी 4 सेंटीमीटर. और ये इक्विलिब्रियम में है, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड. ओके, ये चार्जेस किस में है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स ऑन दिस टू मासेस इज जीरो. ओके, तो एक काम करते हैं, मैं इंडिविजुअल मैं इस ये जो मास है, ये जो स्मॉल स्पेस का नाम ए दे देता हूं और इसका बी दे देता हूं. अब हमें क्या बताना है कि इस पे चार्जेस बताना है, ए पर कितना चार्ज है और बी पर भी कितना चार्ज है. ठीक, द स्फीयर्स आर आइडेंटिकली चार्ज, तो ए पर चार्ज क्यों होगा तो बी पर भी चार्ज क्यों होगा, ये क्या आइडेंटिकली चार्ज है. तो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है, नेट फोर्स जीरो होगा. ओके, तो एक काम करते हैं, ये जो मैं अगर मैं इस पर लगने वाले फोर्सेस को दिखाऊं, ये जो स्फीयर ए है इस पर मैं लगने वाले फोर्स को दिखाऊं, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो होगा आपका mg. ओके, और m की वैल्यू क्या है, 20 ग्राम है, हम बाद में इस वैल्यू को रख लेंगे. और दूसरा जो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, टेंशन t होगा. ओके, और एक जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो रिप एक्चुअली दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इस डायरेक्शन में होगा. ठीक ना, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, ये है ना. The sphere are identically charged. अगर identically charged है तो क्या करेंगे, repel करेंगे. चलो, तो अब हमें क्या करना है, इस force को balance करना है. तो ये जो geometry दी हुई है 40-40 और इसका use करते हैं. तो एक चीज देखा जाए, ये isosceles triangle है, तो ये angle theta, so this angle is going to be theta if this is 90 degree and passing through midpoint. Okay, तो ये जो length होगा, ये length होगा 2 centimeter, this is again 2 centimeter. और ये angle theta, so this angle is going to be theta. Okay, तो guys, what can I write? T cos theta, T cos theta is equal to mg, and T sin theta is equal to क्या होगा, FE. Okay, T sin theta is equal to FE. Equilibrium में balance करने के लिए इसका जो component अगर हम निकालें T का, ये जो T है T का component निकालें, तो इसका
इस वर्टिकल के अलोंग जो कंपोनेंट होगा डेट विल बी टी कॉस थीटा, वो होगा एम जी, और टी साइन थीटा डेट विल बी एफ ई. ओके, सो व्हाट विल बी द टैन थीटा? टैन थीटा इज बेसिकली एफ ई बाई एम जी, दैट मीन्स एम जी टैन थीटा इज इक्वल टू एफ ई. तो ओके, तो एक काम करते हैं, जरा ज्योमेट्रिक मदद से इन सब वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं. ओके, तो एक चीज देखा जाए तो हमारा टेन थीटा क्या होगा. बेसिकली टेन थीटा के लिए हमें ये लेंथ चाहिए, वी नीड दिस लेंथ, ये हमें लेंथ पता करना होगा. ओके, तो एक चीज देखा जाए तो अगर मैं साइन थीटा जो है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/40, आप सभी लोग एग्री करेंगे आई थिंक. ओके, साइन थीटा इज गोइंग टू बी 2/40, और ये जो लेंथ है, ये एंगल है, बहुत छोटा है ये. ओके, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल बिकॉज ये बहुत छोटी वैल्यू होगी. ओके, सो अगर अप्रोक्सीमेशन लिया जाए तो आई कैन राइट कि साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा बिकॉज थीटा इज स्मॉल. थीटा इज क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा ये, अप्रोक्सीमेटली ये लेंथ भी क्या होगा 40 के आसपास में ही होगा. तो दिस इज गोइंग टू बी हैपन, साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा. सो व्हाट कैन आई राइट, mg इनटू 2/40 इज इक्वल टू fe, एंड व्हाट विल बी द fe, fe जो होगा, देखो अगर मैं लिखूं FE विच इज इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई R का स्क्वायर. ओके, सो MG इंटू 2/40 मतलब देखा जाए तो 1/20 इंटू R का स्क्वायर बाई K इज इक्वल टू Q का स्क्वायर. चलो, तो अब सभी वैल्यू हम रखने जा रहे हैं. ओके, तो एम क्या है 20 ग्राम, मतलब 20 × 10⁻³. जी क्या है, जी की वैल्यू 10 लेते हैं, डेट विल बी 10 और डिवाइडेड बाय 20 × R. R 4 सेंटीमीटर है, तो 4 × 10⁻² का होल स्क्वायर. और जो k है, k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इज इक्वल टू q का स्क्वायर. तो अगर इसको सॉल्व करें व्हाट वी गेट, वी विल गेट अप्रोक्सीमेटली, देखो 20 से 20 कैंसिल. ओके, और ये g क्या है, g जो है g की वैल्यू 10 है. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा फाइनली, 10/9. ओके, इंटू 16 इंटू ये हो जाएगा आपका 3 × 2⁴ तो ये हो जाएगा देखो 10⁻⁷ - 9 इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर. सो क्यू का स्क्वायर इज बेसिकली 16/9 × 10 × 10⁻⁶. ओके, सो व्हाट विल बी दिस, दिस विल बी 4/3 √10 × 10⁸. दिस इज द क्यू. ओके, दिस इज द क्यू. सो चलो एक बार आंसर चेक करते हैं, वर्मा जी ने कितना आंसर दिया है. ओके, तो जो आंसर दिया है वर्मा जी ने जो दिया है वो दिए हैं आपका है 4.17 × 10⁻¹. तो अगर हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं वाकई में ये आंसर है कि नहीं हमारा, कितना अप्रोक्सीमेट, कितना करेक्ट है. ओके, तो चलो, तो एक बार मैं सारी चीज को वैल्यू रखता हूँ कैलकुलेटर में, देन विल मैच द आंसर. सो गाइस, अगर आप इन सब चीजों को ना अगर आप रखोगे इसमें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 4.2 × 10⁻¹. तो ठीक है, एक्चुअली हमने जी की वैल्यू 9.8 ना लेकर
9.8 ना लेकर के 10 लिया था. सो दैट मे बी द रीजन फॉर दिस स्मॉल डिफरेंस. सो आवर आंसर इज करेक्ट. ओके, सो दैट्स ऑल गाइज. आई होप कि जो वीडियो लेक्चर है वो आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा. एंड गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल Free Online Coaching and Bhuvan Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.